Hello everybody, welcome back to the channel. मैं हूं सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल राइड एंड विद मी हियर इज दिस यंग सुमो रेसलर ऑल द वे फ्रॉम जापान. दिस इज द लेक्सस एनएक्स 300H. एच मतलब हाइब्रिड. सो यस, दिस इज अ हाइब्रिड कार दैट आई एम टेस्टिंग टुडे. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी इस गाड़ी के बारे में और क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मे बी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस गाड़ी के बारे में. सो वेल, वेलकम बैक टू द चैनल. काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बन रही है, सो सोचा कि कुछ अच्छा स्पेशल आपके लिए लेके आया जाए. सो वेल, लेट्स गेट बैक इन टू द कार एंड गेट यू अ नाइस वीडियो. लेट्स गो. So well, after driving around the car for 3 days, one thing that I love the most about this car, apart from that hybrid drivetrain, is the design. I mean, being an automotive designer myself by qualification, I have to tell you these, that boy, just look at that car. I mean, I call it a young sumo wrestler for a reason, because that stance is definitely a very luxurious compact SUV. I mean, you can't mistake it for not being an SUV. And just look at that, it's very imposing, very sharp. Design language wise jo hai, Lexus makes some of the sharpest cars out there. Beautifully designed curves jo hai kam rakhe gaye hain, there are a lot of lines which you know merge into each other. Surfacing jo hai bahut zyada achhi ki gayi hai puri ki puri gaadi ki. Front is obviously dominated by that huge grill with a big Lexus logo, and then you've got the LED lighting treatment jo ki headlights mein bhi hai, DRLs mein hai ya niche indicator hai usme bhi hai. So well, overall it's a very beautiful looking car, especially in this shade of blue, which is like a very striking color altogether. Dusri cheez jo mujhe bahut zyada pasand hai is gaadi ki are these rims. If you look at them, contrast mein hai kafi jo hai zyada sahi tarike se jo hai ye design kiye gaye hain. So overall ek bahut achhi appeal dete hain gaadi ko. Yahan se jo hai गाड़ी को थोड़ा सा स्वूप किया गया है, जिससे जो है ये और स्पोर्टी लगती है. इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनामिकली फ्रेंडली कार आउट देयर. ड्रैग कोएफिशिएंट जो है गाड़ी को 0.3 समथिंग है, जो कि एसयूवी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है. रेयर एंड अगर आप देखोगे, अगेन लॉट ऑफ शार्प लाइन्स डोमिनेटेड अगेन बाय द लाइन्स एंड दैट बिग लेक्सस लोगो. टेल लाइट जो है अगेन वेरी वेरी स्ट्राइकिंग, मुझे जो है पर्सनली काफ़ी पसंद है. सो वेल, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंगल्स टू जस्ट लुक एट दैट कार. अगर आप रेयर एंड देखोगे पूरा गाड़ी का, यहाँ पे जो बल्जेस देखोगे आप, पीछे के फेंडर पे शोल्डर लाइन देखोगे, दे ऑल मर्ज इन टू दिस ब्यूटिफुल स्कल्पचर आई वुड कॉल इट. उसके लिए जो है एक काम करते हैं, पहले अंदर जाते हैं, आपको इंटीरियर भी जो है गाड़ी का दिखाते हैं. ये स्टेयरिंग व्हील, इफ यू जस्ट लुक एट इट, इट्स अ बिग चंकी स्टेयरिंग व्हील. काफ़ी हैवी है ट्रैफिक के टाइम पे. यस ऑब्वियसली थोड़ा पता वता चलता है मुझे, उसके बारे में मैं चलाते टाइम बात करूंगा. बट इफ यू लुक एट इट, काफ़ी बटन्स है. लाइक पीपल ऑलवेज से दिस कि बॉस आजकल तो टच स्क्रीन चल रही है, चल रहा है, देर इज नो जेस्चर हियर, देर इज नो टच, एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाई दिस लिटल थिंग हियर. इससे जो है इफ़ यू नोटिस, आप यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स जो है कर सकते हो. सो वेल, दिस इज वॉट द इंटीरियर लुक्स लाइक. ऑब्वियसली देर इज अ बिग 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 सनरूफ हियर. ये जो है खुलती नहीं है, सो इट्स नॉट अ स्लाइडिंग रूफ, बट इट इज पैनोरामिक. So you basically get it till the rear seats. यहाँ पे जो है if you look properly, ये जो है बहुत सही चीज़ मुझे लगी. इसमें actually mirror है, सो आप निहार सकते हो खुद को vlog करते हुए. यहाँ पे cup holders है जिसमें मैंने अपना mask और phone जो है रखा हुआ है. This is again an area जहाँ पे आपकी gear levers है, जिसको आप जो है you know brake press करके use कर सकते हो. Display जो है, console जो है यहाँ पे काफ़ी सही है. आप अगर mode change करते हो तो ये भी जो है यहाँ पे change होते रहता है, which is pretty कूल. ये है आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के लिए जो है सेटिंग्स. यहाँ से जो है आप अपना वाइपर वगैरह चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, चला सकते हो. यहाँ पे जो है आपके पास है आपके लाइट्स, जो कि मैं मोस्टली ऑटो पे रखता हूँ. अगर मैं सिर्फ DRL चलाने तो मैं यहाँ जो है रख सकता हूँ उसको. बट हियर दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. आप देख सकते हो कि इंजन से फिलहाल बैटरी चार्ज हो रही है. अगर मैं एक्सीलेटर देता हूँ तो फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज गाड़ी पार्क में लगी हुई है. बट जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तब जो है आपको इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं आपको बताते रहूँगा. इससे पहले काफ़ी लोग जो है पूछते हैं कि भाई बूट स्पेस कैसी है, बूट भी जो है आपको दिखा देते हैं. बूट के लिए कुछ नहीं करना है. यहाँ पे जो है बटन है, ये ऑटोमेटिकली जो है भाई साहब यहाँ पे खुल जाते हैं, एज यू कैन सी. एंड वेल, बूट अगेन इज डिसेंट, बट अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ से उठा हुआ है ऊपर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट ईट्स इन टू द बूट स्पेस. सो बहुत ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते हो, बट एल डिसेंट इनफ स्पेस आप यूज़ कर सकते हो. इट्स अ कॉम्पैक्ट लग्जरी एस यू वी. अगेन आपने यहाँ पे बटन दबाया,
और ये आपे आप अपने आप जो है बंद हो जाएगा पूरा का पूरा। NX300H की आप बैजिंग यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड। आपने जब सभी आवाज़ सुनी होगी गाड़ी की, तब से गाड़ी इलेक्ट्रिक में थी, अब जाके जो है गाड़ी इंजन जो है गाड़ी का स्टार्ट हुआ है। अनदर थिंग हियर इज दिस स्पेस, जिसमें एक वायरलेस चार्जर भी है यहाँ पे, इट्स अ की चार्जर। बट देन अगेन मेरा 12 प्रो मैक्स यहाँ पे फिट नहीं होता है, सो इट रिक्वायर्स लाइक अ स्मॉल फोन। दिस इज लाइक 2019 कार, सो एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो ये सारी चीज़ें जो है नहीं आती है इसमें, सो दिस इज वन प्लेस वेयर इट लैक्स। बट देन इंटीरियर वाइज अगर आप देखो, यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, लुक एट दोस ब्राउन सीट्स विच फॉर दैट मैटर आर एक्चुअली वेंटिलेटेड एंड काफ़ी सही है। मतलब आप इसको यहाँ से जो है ऑन कर सकते हो और सीट्स भी जो है ठंडी हो जाती है अच्छी खासी। कमिंग बैक टू द इंटीरियर, आप अगर देखो कि काफ़ी अच्छे से सर्फेसिंग की गई है और लेयरिंग काफ़ी अच्छे से की गई। So you've got leather here, which is actually not really soft, but थोड़ा hard है ये। This here is again you've got some trim, which is like wood. ये जो है soft touch है, beautiful stitching here, जो कि symmetrically काफी अच्छे से की गई है। So well you know you're in a luxurious car, which is Lexus in this case. So you know you've got some nice contrast stitching in this case here. And few parts, yes I can figure out कि ये shared है, जैसे कि ये button जो है Toyota की भी कुछ गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, electric गाड़ियों में specially. So That is there. Another cool feature here is, जो मुझे काफ़ी सही लगा, आप यहाँ से जो है पीछे की जो सीट्स हैं आप इनको यहाँ बैठे बैठे फोल्ड कर सकते हो। ये डिसेंटली कम्फर्टेबल है, मैं जो है ज़्यादा बैठा नहीं हूँ पीछे, बट मेरे हिसाब से अगर मैं सामने की सीट अपने हिसाब से सेट करता हूँ तो वेल आई जस्ट गेट एडिकेट नी स्पेस देयर, नी रूम जो है वहाँ पे एडिकेट मिलता है मुझे, शोल्डर रूम भी जो डिसेंट मिलता है दो लोगों के हिसाब से, मेरे साइज़ के हिसाब से। सो दिया देन अगेन दैट इज़ द इंटीरियर। अभी काम करते हैं, ये जो भाई साहब हमने ऊपर लगा रखे हैं इनको नीचे लाते हैं, POV फुटेज आपको दिखाते हैं एंड फिर बात करते हैं एज टू हाउ एग्जैक्टली इज दिस कार टू ड्राइव। ऑलराइट, सो लेट्स स्लॉट द कार इन ड्राइव एंड ऑफ वी गो। और एज इफ यू सी वहाँ पे EV आपको दिखा रहा है, EV का मतलब है कि गाड़ी भी सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चल रही है। एज यू कैन सी दैट इट शोज यू एनर्जी मॉनिटर जो है कि भाई फिलहाल जो है गाड़ी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। एंड ये जो है 360 डिग्री का कैमरे का आपने लाइव जो है आपके सामने उदाहरण देखा, एग्जांपल देखा। एज यू कैन सी रियली अ बून, स्पेशली इन केसेस लाइक दिस जहाँ पे आप यू नो यू टेकिंग दीज लग्जूरियस कार्स टू प्लेसेस लाइक दिस, जहाँ पे आप टेक्निकली इनको आपको लेके जाना तो नहीं चाहिए, बट एज यू कैन सी हम लेके आए हैं, विच मीन्स दैट येस दीज आर केपेबल इनफ। एंड अभी भी गाड़ी जो एक्चुअली आप देखोगे EV मोड पे ही चल रही है, वी आर नॉट इवन इंजन अभी तक एक्चुअली चालू ही नहीं हो, अब होगा बिकॉज वी हैव अ स्टीप इंक्लाइन। और ऑफ वी गो। एज यू कैन सी अब जो है इंजन जो है व्हील्स पे भी जो है अपनी पावर भेज रहा है एंड इवन बैटरीज को जो है चार्ज कर रहा है। सो हाइब्रिड के केस में जो है आपका जो इंजन है वही आपकी बैटरी को जो है पावर अप करता है, उसको चार्ज करता है। एंड द मोमेंट आई लीव द एक्सेलरेटर, अब जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जो है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है आपके व्हील से जो है बैटरी में जाती है, जस्ट लाइक हाउ फॉर्मूला 1 वर्क्स। सो दिस इज रियली कूल टू सी। एंड अब जो है अगर मैं बहुत आराम से चलाऊं गाड़ी तो आप देख सकते हो वहाँ पे EV मोड पे अगेन इट्स वर्किंग इन एग्जैक्टली जस्ट लाइक एन EV, राइट? टिल 20, 30, 40 जब तक आप उसको इको मोड में रखोगे तब तक जो है वो ऐसे ही जो है चलने वाली है। Okay, let's just shift to sport and now it will hold on to the cogs a little longer. As you can see, it revs all the way up before shifting. It's a very rev happy engine, matlab it likes to rev, go a little higher, quite audible actually. It's a 2.5 liter engine, 2500 cc ka engine hai. It has got electric motors apart from that, makes approximately 200 horsepower, definitely a lot fun to drive, but काफ़ी रेवी इंजन है। गाड़ी जो है मैंने जैसा कि बताया इट्स लाइक अ यंग सुमो रेसलर, सो वो वेट जो है गाड़ी का, मास जो है वो समझ आता है, पता चलता है।
ब्रेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा सही है कंपेयर्ड, मतलब आप अगर वेट और साइज़ के हिसाब से देखोगे, ब्रेकिंग ऑन द कार इज़ ब्यूटिफुल. हैंडलिंग वाइज ऑल्सो इट हैंडल्स प्रिटी नाइस फॉर इट्स साइज. इको पे चलाओ चाहे आप स्पोर्ट्स पे चलाओ, जस्ट मेक श्योर देख के चलाओ. I just love these roads, man. I mean, this is a beautiful place to test cars, which is why a lot of journalists, they come here, test the cars. Influencers ka mujhe pata nahi, because aaj se zyada actual mein gaadi dhang se chalate nahi hai. But main gaadi proper 2 din chalane ke baad hi aapko gaadi ke bare mein bata raha hu. I thoroughly enjoyed the car. Raat ko maine gaadi kaafi chalai hai. Light ke hisab se agar main batau, Lexus ki jo lights hai wo dikhne mein hi matlab sundar nahi hai. They actually are really functional. I mean, they are one of the most beautifully designed lights, but at the same time they also nice and bright. अब आप देख सकते हो बैटरी और इंजन दोनों जो है पावर भेज रहे हैं. Alright, so that was a quick video on my experience with the Lexus NX300H. Few points that I loved about the car is, one of them is the striking design. Design wise जो है मुझे Lexus शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है. इन दिस केस, इन दिस शेड ऑफ ब्लू, इट वॉज मेजमराइजिंग. स्पेशली जब सुबह सनराइज हुआ, मैंने वो कलर एक्चुअल में से गोल्डन आवर में देखा है, आई वॉज लाइक वाओ, राइट. स्ट्राइकिंग डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे से जो है लाइन्स हैं सारी की सारी. हाइब्रिड पावर ट्रेन इज अनदर वन ऑफ दोज थिंग्स विच आई थोरली इंजॉयड. ईवी मोड पर आप अच्छे से क्रॉल कर सकते हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो या फिर इवन इन दिस केस में ऑफ रोड भी जब थोड़ा बहुत कर रहा था, वो ईवी मोड में ही गाड़ी आराम से क्रॉल कर रही थी एफर्टलेस. And I thoroughly enjoyed that. Interior wise, yes, मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से dated लगते हैं. Although I love the buttons, I have no issues with the buttons. मुझे इनफैक्ट वो कम डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं, बिकॉज यू नो आई नो वट टू प्रेस, वेयर टू प्रेस, रादर देन स्वाइपिंग थ्रू मेन्यूज इन अ टच स्क्रीन. सो येस, इंटीरियर वाइज जो है मे बी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं. ब्रेकिंग, हैंडलिंग, सस्पेंशन, इस रिगार्ड में द कार वॉज परफेक्ट. आई लव्ड इट. स्टेयरिंग व्हील जो है हाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, सो यू नीड सम गुड अमाउंट ऑफ मसल टू यू नो मूव द कार अराउंड. बट मी पर्सनली आई लव इट, आई डोंट हैव एन इशू. आई एम श्योर समबडी हु इज नॉट यूज टू द हैवी स्टेयरिंग इनपुट्स, उसको जो है मे बी सी थोड़ा सा यू नो टाइम लगेगा यूज टू होने में. और यू जस्ट गो टू द जिम एंड यू नो पावर योरसेल्फ थ्रू इट. सो यस, ये था मेरा एक एक्सपीरियंस विद द कार. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. अच्छा हुआ तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कॉमेंट करके मुझे बताओ कि और कौन सी गाड़ी है जो आप देखना चाहोगे कि मैं आपके लिए लेके आऊं. विद दैट सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. चाओ.